पाकिस्तान में के आतंकी एक साल से भारत में बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से एक खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, लश्कर और हिजबुल मिलकर भारत में ड्रोन आतंकी उतारने की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से एक खबर, ड्रोन हमले को लेकर पिछले साल मई में पीओके में आतंकियों की बड़ी बैठक हुई थी। सूत्रों के हवाले से एक खबर, यह खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, एक साल से तैयारी हो रही थी। इसी ब्रेकिंग के साथ हम अपने सभी मेहमानों और हमारे जितने भी सहयोगी उनको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। यहां पर सीधा लेकर चले हमारे साथ आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे, क्या कहा जाए, मेरे यहां पर सभी फेवरेट है, लेकिन पुष्पेश सर स्वागत है आपका वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ एक दहाड़ने वाली आवाज, एकदम जिसको कहा जाए अल्ट्रा नेशनलिस्ट, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस हमेशा से करते आए। जनरल सिन्हा इस वक्त मेरे साथ हैं, एलएसी से कुछ दिन पहले लौटे मेरे साथ, जनरल गुरमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। सुमित एलएसी से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अंकित भट्ट आपकी स्क्रीन पर जम्मू से। यह बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं, अब इस खबर की पूरी डिटेलिंग आइए जरा देखें। पाकिस्तान एक साल से तैयारी कर रहा था, कैन यू बिलीव दिस, एक साल से ड्रोन अटैक की तैयारी। प्ले करें इसको राहुल जरा यहां पर, यह जो जानकारी है यहां पर देखें, एलईटी और हिजबुल कि ड्रोन हमले की आतंक नीति, एलईटी लश्कर तैयबा और हिजबुल की ड्रोन हमले की आतंक नीति, राहुल इसको बीच बीच में जूम इन करेंगे। इंटेलिजेंस सूत्रों से खुलासा, ध्यान से देखें, पाक आतंकी एक साल से भारत में ड्रोन हमला करने की तैयारी कर रहे थे, एक साल से। नेक्स्ट चेंज करें इसको राहुल बड़ा तेजी से, लश्कर तैयबा मई 2020 से पीओके में ड्रोन तैयार कर रहा था, 2020 से। अब मैं आपके सामने डिटेलिंग कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखें, चेंज करें इसको जरा तेजी से राहुल, सिर्फ इसमें जूम इन करके रखें। लश्कर की साजिश ड्रोन से जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकियों को आईडी ग्रेनेड भेजने की थी, आईडी और ग्रेनेड भेजने की तैयारी थी लश्कर की। राहुल मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, जूम इन करें इसको, नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। यहां पर पिछले साल रमजान से दो दिन पहले पीओके में आतंकियों की बैठक हुई थी, पिछले साल रमजान से दो दिन पहले पीओके में आतंकियों की बैठक हुई थी। और यहां पर नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से, मैं आपको बता रहा हूं, पीओके में हुई बैठक में ड्रोन हमले की रणनीति फाइनल की गई, पीओके में बैठक हुई उसमें ड्रोन हमले की रणनीति फाइनल की गई। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, बैठक में जकीउर रहमान लखवी, हमजा अदनान, मौसा भाई, ये सब शामिल थे इस बैठक में, ये सारे लोग शामिल थे। पाकिस्तान में ये पूरी स्ट्रेटेजाइजिंग हुई। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से, बैठक में सैयद सलाउद्दीन, खालिद सैफुल्ला, ताहिर एजाज भी शामिल थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, ये बड़े जानकारी है, हमले के लिए खास किस्म का ड्रोन पीओके में तैयार किया जा रहा था, एक खास किस्म का ड्रोन भारत में हमले के लिए, कौन सा है ये ड्रोन ये भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट चेंज करें, ये ड्रोन 3 किलोमीटर तक आईडी ले जाने में सक्षम था, इतना ही नहीं, नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से, ड्रोन को नीचे लाने के साथ ब्लास्ट से उड़ाया जा सकता था जो कि किया गया। राहुल सिर्फ इस वॉल के साथ मैं सीधे चलूंगा जनरल सिन्हा के पास। सर ये बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान में एक साल से तैयारी चल रही थी और ड्रोन अटैक की तैयारी चल रही थी, ये बहुत बड़ा खुलासा है सर। बड़ा खुलासा किया है, इसके अलावा भी जो चीजें सामने आई हैं, ये तो मैं ये कहता हूं 17 जून 2019 से ये कार्रवाइयां चली हैं और ये कार्रवाइयां बहुत ज्यादा फेजेस में चली हैं। फर्स्ट फेज में जब उन्होंने चला और उन्होंने उसका अख्तियार किया तो उन्होंने एक एज ए यू नो लॉजिस्टिक लोड के अंदर में वो ले जा करके जिसमें ड्रग्स थे, जिसमें वेपन्स थे, जिसमें आईडीज थे, जिसमें करेंसी थी, इनको छोटे ड्रोन, इनको कहते हैं ड्रोन टाइप ए, इसमें उन्होंने यूज किया और इसमें कामयाबी पाई। उसके बाद आप 19 अभी आपने खुलासा किया, 20 से इन्होंने ये जो आप कहते हैं मिनी ड्रोन्स का एक है ग्रे वॉरफेयर जोन में इसको किया जाता है, जिसमें कि आप टारगेट के ऊपर में करते हैं और ये वो नहीं है जो यूएवी की बात, हम जो रैपर की बात, MQ-9 की बात करते हैं जिसमें आर्म्ड हैप्टर की बात होती है, वो आर्म्ड ड्रोन्स नहीं हो करके ये नॉर्मल जो ड्रोन्स हैं, मगर जो ये चाइनीज ड्रोन आए उसकी इंड्योरेंस यदि 14-15-16 किलोमीटर की हो गई, ये 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की नहीं है, तो ये आतंकवादियों को ऐसा
मुहैया जो करवाया, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इन ऐसे ड्रोनों को अपनो वो ले सके। इसमें पूरा का पूरा, यदि आप मेरी बात माने तो इसमें पाकिस्तान आर्मी की और उसकी ये नहीं क्योंकि ISI ने किया है, इसमें पूरी DGMO DGMI और पूरे के लोग इसमें शामिल हैं। ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है 10 ब्रिगेड 10 डिव एंड 19 डिव और मंगला के अंदर में जो AD ब्रिगेड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। यदि आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा जो पंजाब का बॉर्डर लगता है, राजस्थान का बॉर्डर लगता है और POK जो 790 किलोमीटर के इलाके में, यह पूरा का पूरा जो एक नेटवर्क आया है जिसके अंदर में रडार्स डाले गए हैं, लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं ड्रोन्स के लिए, ड्रोन लॉन्च के लिए, और ये पूरी की पूरी खबर है, हमारे पास भी है, हमारे खुफिया एजेंसी को भी है। तो ये जो चीजें आपकी हुई हैं, हाँ अभी उसने सर, लेकिन ये यहाँ पर एक साल से तैयारी चल रही थी। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, जनरल गुरमीत सर, एक साल से वो आतंकी ड्रोन की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं? और इसमें सारे चोर मिल गए, सारे आतंकी मिल गए। जनरल गुरमीत को दिखाएं, राहुल यहां पर सीधे, सर सारे चोर मिल गए, हैरान करने वाली ये खबर है सर, इट इज शॉकिंग। बिल्कुल देखिए, जो जनरल सिन्हा ने बोला मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, ये इनकी तैयारियां 2019 से चल रही थी, जो जून का उन्होंने जिक्र किया है, अगस्त 2019 में अमृतसर में उस इलाके के अंदर में जो वेपन्स का स्मगलिंग करने के लिए ड्रोन को इस्तेमाल किया, 2020 के जून और सितंबर में इस्तेमाल किया और इस साल के मई और अप्रैल में ये सब तैयारियां चल रही थी। अगर आप बारीकी से देखें तो जब आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई थी वहां पर भी इनके टेररिस्ट गए थे ये आर्ट सीखने के लिए, right. और उसके अलावा जो मई के अंदर में 11 दिन का इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहां पर भी पाकिस्तान हाजिर था वहां पर अपना इसी टेक्नोलॉजी को करने के लिए। उसके बाद चाइना और टर्की से जो ड्रोन लिए गए हैं ये इनकी तैयारी बहुत देर से चल रही है। ये जो जम्मू में हुआ है इसने ड्रोन और इस टेक्नोलॉजी को एक नए स्तर पर एक नया चैलेंज कर दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तो जब आएगी आएगी, लेकिन इसके जो पाकिस्तान आर्मी ISI टेररिस्ट ग्रुप के जो ट्रेंड है, जिस प्रकार के इंडिकेटर हैं, और उसके एक दिन बाद ही हमने देखा कि किस प्रकार से तीन और आए थे ये कालूचुक एरिया के अंदर में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।